हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। देखिए दोस्तों, राज्य में अब हर स्कूल में संस्कृत के शिक्षक होंगे। जी हां, नए सेटअप के आधार पर अब स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती की जाएंगी। नए शिक्षकों का सेटअप तैयार किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए दोस्तों, राज्य के अब हर स्कूल में होंगे संस्कृत के शिक्षक। हाई स्कूलों के सेटअप में नए पद के लिए दर्ज संख्या और बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मिडिल स्कूलों में भी यह जो सेटअप है उसमें भी संशोधन किया गया है। क्या संशोधन है? देखिए, मिडिल स्कूल में 31 से 50 संख्या वाले स्कूलों में एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक होंगे। 30 से कम दर्ज संख्या होने पर प्रधान पाठक का पद नहीं होगा। शिक्षकों में विषयवार प्रथम 4 पद हिंदी, संस्कृत, कला, अंग्रेजी के होंगे। साथ ही साथ गणित एवं विज्ञान विषय के होंगे। इस प्रकार 140 तक कोई अतिरिक्त शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं होगा। दोस्तों, इसमें अलग से फिर से सेटअप तैयार किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। स्कूलों का ये जो सेटअप है 14 साल बाद में बदला जा रहा है, अर्थात 14 सालों तक अभी तक स्कूल का जो सेटअप है नहीं बदला था। स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूलों के नए प्रस्तावित सेटअप में संशोधन किया गया है। संशोधित सेटअप के आधार पर प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूलों में अब संस्कृत के भी पद होंगे। जी हाँ दोस्तों, वही हाई स्कूलों में सेटअप में नए अतिरिक्त पदों के लिए दर्ज संख्या और बढ़ा दी गई है। यह जो सेटअप है स्कूलों में आपका 14 साल बाद में बदला जा रहा है। जी हाँ, प्रस्तावित सेटअप के जारी होने के बाद शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। इधर जिलों में प्राप्त सुझावों के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय ने सेटअप में संशोधन कर सभी जिलों को पुनः भेज दिया गया है। जिन्होंने जिलों को भेजे गए संशोधित सेटअप के अनुसार प्रत्येक हायर सेकेंडरी में संस्कृत के लिए भी एक पद होगा। देखिए दोस्तों, सेटअप के आधार पर हायर सेकेंडरी स्कूलों में संस्कृत व्याख्याता के पद नहीं रखे गए थे, लेकिन अब नए सेटअप के आधार पर आपका व्याख्याता में भी संस्कृत विषय के पद होंगे। जी हाँ दोस्तों, जारी सेटअप में संस्कृत के भी पद रखा जाएगा। इसी तरह आपका हाई स्कूलों में व्याख्याता के अतिरिक्त पद स्वीकृत करने के लिए विद्यार्थियों की दर्ज संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। पूर्व सेटअप के अनुसार हाई स्कूल में न्यूनतम 1 प्राचार्य और 5 व्याख्याता के पद स्वीकृत होंगे और 2220 तक कोई अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं होगा। किंतु इसमें संशोधन करते हुए नए सेटअप के आधार पर 220 से बढ़ाकर 250 कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों, अब हाई स्कूल में भी संस्कृत के एक शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो कि नए सेटअप के तहत लागू होगी। आने वाले समय में जो भर्ती आएंगी दोस्तों, तो इसका सीधा लाभ बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतनी ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।